अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार काफ़ी दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि यार आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो यार काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें टिकटॉक की टिप्स एंड ट्रिक्स पर वीडियो दो, एंड काफ़ी लोगों ने यार इंस्टाग्राम पर भी आकर मुझे अपने अकाउंट्स को चेक करवाया, एंड आप उन्होंने कहा कि यार हमारे अकाउंट्स जो कि हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। हमारे अकाउंट्स पर पहले हज़ारों में व्यूज़ आते थे, अब हमारे अकाउंट पर 15-20 व्यूज़ आ रहे हैं। 400-500 व्यूज़ आते थे, अब 15-20 व्यूज़ आ रहे हैं। तो यार इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करना है, कि आपने अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपने व्यूज़ को किस तरह से बढ़ाना है, मतलब कि आपने अपने अकाउंट को अनफ्रीज किस तरह से करना है, तो यार आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेना है। ये वीडियो यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत से बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा इस वीडियो पर, बट आपको क्या करना है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको अपने अकाउंट को अनफ्रीज करना है। अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप करेंगे, कोई भी स्टेप मिस कर देंगे, तो आपका अकाउंट जो क्या है वो अनफ्रीज नहीं होगा। तो यार चलते हैं यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर, वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने अकाउंट को अनफ्रीज किस तरह से करना। तो यार उससे पहले कुछ बातें हैं वो सुन लें, आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी तीन चीज़ों की, ठीक है। तो वो चीज़ें, तीन चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको टिकटॉक एशिया की जरूरत पड़ेगी। टिकटॉक एशिया भी एक ऐप है टिकटॉक की तरह, ठीक है, मतलब कि टिकटॉक की ही ऐप है जो कि सिर्फ टिकटॉक एशिया में चलती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको डाउनलोड करना है, एंड उसका कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर। तो पहले मैं आपको वही बताऊंगा, उसके बाद बाकी प्रोसेस करेंगे। एंड आपने उसी टिकटॉक ऐप के अंदर आपने अपने अकाउंट को रखना है, एंड उसके बाद जो कि दूसरी चीज़ है वो क्या है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी एक VPN की, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा VPN डाउनलोड करना है, कौन सा VPN आपने इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या है कि यार आपको इसके लिए तीन फेक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपने बिल्कुल न्यू अकाउंट्स बनाने हैं टिकटॉक के अंदर, ठीक है, बिल्कुल न्यू अकाउंट्स तीन बनाने हैं। एंड जो कि आपका एक ओरिजिनल अकाउंट होगा जिससे कि आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना होगा, एंड बाक्स उसके बाद आपने ट्रिक लगानी होगी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए। तो चलते हैं यार वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन इसमें आपका ही फायदा है। तो गाइज यहाँ पर हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यार आपने अपने यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस करना है, ठीक है। तो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, टिकटॉक एशिया का डाउनलोड लिंक होगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यार वो थोड़ा मतलब वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है तो आप आ जाएंगे इस तरह की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो ये वर्जन आपने डाउनलोड करना है 26.4.3 वाला वर्जन, ठीक है। आपने कोई भी टिकटॉक एशिया का और वर्जन यूज़ नहीं करना, वरना आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, एंड आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी टिकटॉक जो क्या है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर डाउनलोड अगेन पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरे पास पहले इंस्टॉल है तो यहाँ पर इसलिए ये ऑप्शन आया है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ। टिकटॉक को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा VPN यूज़ करना है जो कि दूसरे नंबर पर है। वो क्या है कि आपने यहाँ पर सर्च करना है टर्बो VPN, ठीक है, TURBO, ठीक है, टर्बो VPN आपने सर्च कर लेना है, ठीक है, सॉरी टर्नो लिख दिया मैंने। गाइस यहाँ पर जो कि आप टर्बो VPN सर्च करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाला VPN आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन करके इसको किसी भी प्रॉक्सी से कनेक्ट कर दूंगा, जो भी प्रॉक्सी होगी आपने उससे भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं चला जाऊंगा VPN के अंदर। VPN को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है टैप टू कनेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपका VPN जो क्या वो कनेक्ट हो जाएगा कुछ ही सेकंड के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर मैं VPN यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि मोबाइल थोड़ा सा लैग होगा, तो यहाँ पर मैं अभी कनेक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब कि आपने उसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपने टिकटॉक के अंदर चले जाना है, तो यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम भी ऑफ कर देता हूँ, टिकटॉक ओपन हो जाती है। उसके बाद आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने अपना रियल अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है, जिस पर भी आपने ट्रिक लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लैंग्वेजेस पर क्लिक करना है, लैंग्वेजेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने प्रेफर लैंग्वेजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी भी लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं, ठीक है, आपने इनको इस तरह से क्लिक कर देना है, मतलब कि इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर डन पर क्लिक करना है, तो आपकी जो क्या है वो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएंगे, आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, एंड यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा फ्री अप स्पेस का ऑप्शन, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्लियर कैश कर देना है, एंड यहाँ पर आपने डाउनलोड को भी क्लियर कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक और छोटी सी टिप दे दूंगी, आपने क्या करना है, आपने इसी चीज़ को फ्री अप स्पेस को आपने एक दिन में 5 से 6 मरतबा आपने इसको फ्री अप स्पेस करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो को अपलोड करना होता है, तो ये काम करें इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी, मतलब ये छोटी सी टिप है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बैक आ जाना है, ठीक है।
बैक आने के बाद आपने यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने यहाँ पर टिकटॉक का एक फीडबैक देना है, उसके बाद हमने अपनी वीडियो को अपलोड करना है, उसके बाद आपने ट्रिक लगानी है। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा फीड सर्च शेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेते हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा रिकमेंडेड कंटेंट डज नॉट अपडेट, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस फिर आ जाएंगे, येस और नो का, ठीक है। तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। येस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है। जिस भी टाइम पर आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, जो भी आपका बेस्ट टाइम है, ठीक है, आपने अपनी एनालिटिक्स में यहाँ पर थ्री लाइंस पर क्लिक करके क्रिएटर टूल पर क्लिक करके अपनी एनालिटिक्स में जाकर देख लेना है कि आपके जो के फॉलोअर्स हैं वो किस टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपने अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो ये अकाउंट भी फुल फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो इसी को भी हम अनफ्रीज करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने वीपीएन को कनेक्ट रखना है, उसके बाद आपने ऊपर अपने यूजर नेम पर क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर अपने ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपने ऐड अकाउंट पर क्लिक करके इन फेक अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाने हैं, पुराने अकाउंट पड़े हैं तो भाई वहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पर आपने बिल्कुल न्यू अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी नहीं बना रहा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको समझा लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पहला अकाउंट ओपन हो गया, जो आपने न्यू फेक अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो को सर्च कर लेना, जो भी आपकी वीडियो होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाली मेरी वीडियो है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोफाइल को ओपन करना है, ठीक है। अपनी जिस पर भी आपने वीडियो अपलोड की होगी उसको ओपन करने के बाद आपने अपनी वीडियो को ओपन कर लेना है, जिस जो भी आपने वीडियो अपलोड की होगी, लेटेस्ट वीडियो जो भी आपने अपलोड की होगी। उसके बाद आपने अपनी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, ठीक है। वॉच करने के बाद आपने यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल सा काम है। पहले अकाउंट से आपने कौन सी रिपोर्ट करनी है वो नोट कर लें आप। यहाँ पर आपने पहले अकाउंट से रिपोर्ट करनी है हेटफुल बिहेवियर पर क्लिक करके यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बैक आना है, एंड यहाँ पर आपने दूसरे फेक अकाउंट में चले जाना है, ठीक है। जैसा कि यार मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद है कि यार आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। जितना मुझसे हो सका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वीडियो को फिर से ओपन करना है, मतलब कि दूसरे फेक अकाउंट से जाकर अपने अकाउंट को सर्च करके अपनी वीडियो को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी वीडियो को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, शेयर पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा वायलेंट एंड ग्राफिक कॉन्टेंट का ऑप्शन, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा सबमिट का, आपने इसको सबमिट कर देना है, एंड यहाँ पर आपने इसको डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरे फेक अकाउंट के अंदर चले जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपने अपने अकाउंट को सर्च कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसा कि ये अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ तो मतलब वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। तो इस तरह से आपने कर लेना है, उम्मीद है यार आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरे फेक अकाउंट के अंदर चले जाना है, एंड यहाँ पर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, शेयर पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने तीसरे अकाउंट से कौन सी रिपोर्ट करनी है, ये लास्ट रिपोर्ट है। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि आपने सुननी है, वरना आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तीसरे फेक अकाउंट से आपने स्पैम एंड फेक एंगेजमेंट वाली रिपोर्ट लगा देनी है, यहाँ पर सबमिट कर देना है। दोस्तों इस तरह से आपने अपने टिकटॉक अकाउंट पर ट्रिक लगा देनी है, जिससे कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। इंशाल्लाह यार आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ये ट्रिक यार लोग पैसों से सेल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो कि मेन बात है जिससे कि आपकी ये ट्रिक काम करेगी, वो ये है कि आपने ये ट्रिक लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने इंटरनेट को 2 से 3 घंटे के लिए आपने अपने इंटरनेट को ऑफ कर देना है। मतलब कि आपने अपने अकाउंट को भी सर्च करके नहीं देखना किसी और मोबाइल से, ना ही आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन करना है, ना ही आपने अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑन करना है, ठीक है। 2 घंटे आपने सब वेट करना है अगर आप भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने में सीरियस हैं। तो ये थी वीडियो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो मुझे पता है यार थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, तो माजरा, ठीक है। चलते हैं यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।